अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत्यानासी के बारे में बहुत सारे अहबाब ने भी, हुक्मा ने भी और सन्यासियों ने भी इरशाद फरमाया था। उनकी खिदमत में कुछ अरज पेश है। सत्यानासी बेसिकली समझा जाता है कि सिर्फ जिन भूत भगाने की चीज है और किसी काम की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप मर्दाना कमजोरी और जिनाना कमजोरी की किसी भी किस्म का इलाज करा रहे हो और उस दौरान अगर इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 ग्राम इसका पाउडर सत्यानासी बीज की शक्ल में मिल जाता है पंसारी, वो अगर 1 ग्राम निहार मुंह और असर को शाम को 5 बजे अगर आप लेते हैं सादे पानी से, मर्दाना कमजोरी, ठीक है, बेऔलादी के केस में, खातून को भी ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी, आप कोई सा भी इलाज ले रहे हैं मगर इसको भी अगर लेना शुरू कर दें तो मामलात जल्दी अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह सांप बिच्छू, हालांकि सांप का मिजाज और है, बिच्छू का मिजाज और है, लेकिन दोनों में से कोई भी तो उस वक्त ये खाई भी जाती है। 1 ग्राम पाउडर इसका मुंह में रख के पानी पी लिया और 1 ग्राम थोड़ा सा लेके 1 कतरा पानी मिला के रगड़ दिया वहां पे, ठीक है ना, रगड़ते रहे, दबाते रहे तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, फिर रगड़े दबाए पानी बाहर आ गया, साफ किया, फिर रगड़े दबाए, तो इस तरह ये जहर फेंक देता है, जहर फेंकने में काम आता है। तीसरी बात ये कि फाइब्रॉइड, ठीक है ना, फाइब्रॉइड दोनों जो रहम के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, इसका इलाज आप जो भी करा रहे हैं, किसी से भी करा रहे हैं, सर आंखों पे वेलकम, लेकिन ये है कि उस दौरान फाइब्रॉइड कैंसर वाला हो या बगैर कैंसर वाला, CA125 नॉर्मल आ रहा है वो भी, उसका भी इलाज इससे होता है, उसको भी इससे फायदा होता है, और अगर CA125 एक्सेस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो उस सूरत में भी ये फायदा देता है। तो दोनों सूरत में नॉर्मल मकदार वही होती है। इसको आप लेके इसको किसी भी बीज को, किसी भी जड़ी बूटी को, कुछ भी लें, पत्ते की हालत में हो उसको ले लें, तो जब लेंगे ना उसको, तो उसको सबसे पहले एक, जैसे कि 1 किलो दवा है तो उसको 5 किलो वाले जार में, प्लास्टिक के जार में डाल के ना 50 दफा हिलाएंगे, फिर उसको 2-3 दफ़ा थपथपा लें, फिर ऊपर से दवा उठानी शुरू कर दें, कुछ भी हो, वो बीज हो, वो जड़ हो, छाल हो, जो भी खुशक हालत में आपके पास आई, आखिर में मिट्टी बचेगी, मिट्टी उठा के फेंक देना, तो ये चीज़ साफ़ हो जाती है, चीज़ इससे बेहतर हो जाती है। या तो फिर आप ताज़ा तोड़ के लाए थे और ताज़ा तोड़ के लाए थे फिर आपने घर में साय में सुखा लिया, तो फिर वो तो आपने फिर बहुत ही अच्छा वाला काम कर लिया। साय में जब चीज़ सूखती है ना तो उसकी केमिकल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मजबूरन डायरेक्ट धूप में ही सुखाई जाएंगी, वो साय में नहीं सुखाना है, जितनी देर में साय में वो ड्राई होने पर आएगी इतनी देर में वो फंगस दे देगी, तो लिहाजा कुछ चीज़ों को मजबूरन, जैसा कि आपका मौलिज आपको बताया, आपका उस्ताद, टीचर, गाइड, कोच बताया कि भाई इसको धूप में डायरेक्ट सुखा देना, तो एक अलग बात है। दूसरी बात यह कि ये जनाब अली फाइब्रॉइड मैंने अरज किया, दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, आधी दुनिया की खवातीन इससे परेशान है, इस मामले से, उसकी तकलीफों से, उसकी अजियतों से, तो वहां भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह पेशाब के होने में तकलीफ हो रही है, तो पेशाब के होने में तकलीफ में नाइट्रिक ग्रुप में आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ऐसा है कि आपको नहीं मिल पा रही है, कलमी शोरे की दुनिया की दवा कह लें वो भी नहीं मिल पा रही, तो अगर आपके पास ये मौजूद है, ये सत्यानासी के तुखम पिसे हुए, तो आप इसको एक चुटकी नीम गर्म पानी, जब पेशाब जब भी खोलना हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, कोई भी हो, ब्लॉकेज हो, अजियत हो, जलन बहुत ज्यादा, तो ऐसी सूरत में जो है ना इसको हल्का हमेशा नीम गर्म पानी यूज करना है। नीम गर्म पानी क्या होगा कि जो अंदर के मामलात की जो मुर्दनी है, कूलिंग इफेक्ट है, उसका ब्लॉक होना, मुड़ जाना, अकड़ जाना, सख्त हो जाना, खुश्क हो जाना, तो गर्म पानी उसको बासानी खोल देता है। गर्म पानी बड़ा कीमती होता है, तो वहां भी ये फायदा देगा। इसी तरह बवासीरी जख्मी कैफियत में कोई भी इलाज करा रहे हैं, अगर इसको भी लेना शुरू कर दिया तो जल्दी हील हो जाएंगे। अल्सर की कैफियत में, अल्सर कहीं का भी हो, वो आंत में ऊपर है, नीचे है, बीच में, कहीं भी, पेट में, मैदे में, आंत में, कहीं भी अल्सर की कैफियत है, तो वहां भी इसका यूज वही नॉर्मली इंतहाई बारीक पिसा हुआ 1 ग्राम सुबह निहार मुंह, 1 ग्राम शाम 5 बजे आपने मुंह में रखा, या आधा चाय का चम्मच कह लीजिए, मैं तराजू नहीं मंगवा रहा, अब चाय का चम्मच पता नहीं आपके जहेज में कौन सा लाए थे, आधे ग्राम का अंदाजा कर लीजिएगा, एक बड़ी चुटकी 3 उंगली से पकड़ा, बस जितना आ गया काफी है, तो ये पानी से ले लेना है आपने। तो ये तो सारे हो गए, क्योंकि एक हकीकी फायदे हैं जिससे उम्मत जो है, अभी हमारी कौम जो है जरा थोड़ी सी गाफिल है, जो तिब जानते हैं, हर्बल से प्यार करते हैं, उनको तो आयुर्वेदा से प्यार करते हैं, उनको तो इसका इल्म है, ठीक है कि सत्यानासी कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में जो लोग जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिन भगाने में काम आती है, नफसियाती इलाज में काम आती है। अच्छा, एक अजीब बात है, ये नफसियाती इलाज भी करेगी और जिन भी भगाएगी, जिस चीज को, जिस कैफियत और अलामत को आप जिन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो इसको भगाने में भी काम आती है। दूसरी बात यह कि नफ्सियात में भी अच्छा इफेक्ट आता है और शिजोफ्रेनिया में भी अच्छा इफेक्ट आता है। नफ्सियात में और शिजोफ्रेनिया की वो कैफियत जहां पे दिमाग में ट्यूमर और इन्फेक्शन नाम की चीज ना हो, महज जहनी सोचों का एक मसला हो, तो वहां भी ये फायदा देता है। क्या फायदा देता है कि एक कोयला आपने जला लिया किसी भी लकड़ी का, या लकड़ी का कोई पीस लिया, चूल्हे में जला लिया, जब आग पकड़ गया तो उसको पिलास से पकड़ के, चिमटे से पकड़ के आपने बर्तन में डाला, अब उसके ऊपर सत्यानासी पिसी भी ना हो, साबुत हो, एक
एक चुटकी डालते जाएं और पेशेंट के सामने कि उसका धुआं उसकी नाक में चला जाए, तो धुआं नाक में जाएगा तो वो कैफियत जिसको आप रूहानी कैफियत कहते हो कि इसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, असरात है, चुड़ैल है, इतनी प्यारी प्यारी चुड़ैलें हैं आजकल दुनिया में, ठीक है ना, तो वो चढ़ गई इसके ऊपर तो भाग जाएगी। तो बहरहाल आपको भगाना भी पेशेंट तो इसी के पैसे देगा ना कि भगा दो, तो भगा दें। दूसरी बात यह है कि इसका नफ्सियात में भी एक फायदा होता है। नफ्सियात में क्यों फायदा होता है कि जब आप इसको जलती हुई आग के कोयले में इसकी एक चुटकी डालोगे ना बगैर पिसा हुआ साबुत इसके बीज सत्यानाशी के, तो उन्हें चुटपुट 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 की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, लगेगा किसी ने आतिशबाजी कर दी। नफ्सियात वाले पेशेंट को आप यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए या वो यकीन पर आ जाए तो कि भाई इससे उसके जिन्नात विन्नात उसकी जो नेगेटिविटी खत्म हो गए। नफ्सियात भी बनानी पड़ेगी ना आपको, जब तक नफ्सियात में से कीड़ा नहीं निकलेगा बंदे के दिमाग में तो आपका दवा इलाज काम ही नहीं करेगी। तो वहां नफ्सियात में थोड़ा सा मिक्सिंग करनी पड़ती है इस रूहानी इलाज में, क्योंकि रूहानी इलाज नफ्सियात इलाज दोनों सगी खालाजात बहन भाई हैं। तो लिहाजा जब भी नफ्सियाती इलाज कर रहे हो तो रूहानी इलाज की भी जरूरत पड़ती है, और रूहानी इलाज कर रहे हो तो नफ्सियाती मामलात को भी मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि दोनों एक ही शक्ल के हैं, रूहानी भी नफ्सियाती भी, शिज़ोफ्रेनिया भी, जिन्नात भी, असरात भी, ठीक है, सारा न्यूरोलॉजी का खेल है। तो उसमें अच्छा दूसरी बात यह कि ये तो सारी बातें हो गई। एक बाबा जी हैं, काफी उम्र है माशाल्लाह से उनकी, पाकिस्तान में नहीं है किसी और मुल्क में, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि रात भर ना सर पर रुमाल बांध के सोना है, तूने व्हाइट कॉटन कपड़े का रुमाल सर में बांध के रखना है, सोना है, और सुबह रुमाल लेके आना है। तो वो क्या कहते थे, जब बंदा रुमाल देता था तो वो चुटकी निकाल के ना उसमें पढ़ाई के बहाने, मकसद है कि ये धोखा नहीं है, फराड नहीं, एक नफसियाती इलाज है, वो पढ़ाई के बहाने उसमें रुमाल में वो एक चुटकी सत्यानाशी की जो दाने हैं वो डाल लेते थे, और फिर उसके सर से सात दफ़ा घुमा के आग में डाला उसको, तो आवाज़ आई चुटपुट चुटपुट चुटपुट, तो उसको यकीन दिलाने में आसानी हो गई कि देख भाई तेरे जिनविन मर गए, ठीक है, तो जिनविन मर गए तो बंदा जल्दी मुतमइन हो गया। नफसियात का जो लोग नफसियाती इलाज कर रहे हैं, जब आपको रास पता चलता है आप कहते हो जी आदमी सही नहीं है, दो नंबर नहीं होता, नफसियात भी तो एक इलाज है ना, ठीक है, नफसियाती जो इलाज कर रहे हैं वो नफसियात भी एक इलाज है, नहीं तो फिर नशे की गोलियां देते रहे आप उसको, बेहतर है नफसियाती इलाज कर दें। सांप आपने ढूंढ लिया नहीं है मगर उसको आने की लकीर, जाने की भी एक लकीर बना दे, बोलो देख इधर से आया था इधर से चला गया टेढ़ा होकर, ताकि वो मुतमइन हो जाए, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि सांप आया तो वहीं से, हो सकता है बिल से कहीं और निकल गया हो। तो नफसियात को भी मद्देनजर रखना पड़ता है अपने रूहानी केस में, सियात और रूहानियात दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो पेशेंट मिनटों में ठीक हो सकता है, दोनों को अलग अलग चलाएंगे तो यकीन करो बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, पेशेंट टाइम बहुत खा जाएगा आपका, सही है, उसको दवाएं भी बेचारे को इतनी कड़वी खिला दोगे, तो बेहतर है कि दोनों चीजों को मद्देनजर रखें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सत्यानाशी जहां महज रूहानी इलाज समझी जाती है वहां पर यह बहुत सारे जिस्मानी फवायद भी अल्लाह के फजल से आपको अता करती है, और हर पंसारी से बासानी दस्तयाब है तुख्मे सत्यानाशी, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको लेने में, और इंतहाई सस्ती होती है, ठीक हो गया, रोड में आम साइड में लगी हुई होती है, आपका पूरा डिफेंस भरा पड़ा है, बंगलों के कोनों पर साइडों पर लगी पड़ी है, फेज 8 में खसूसन जाके देख लें तो सारा भरा पड़ा है इन चीज़ों से। भर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।